जहां पर डीलवाना क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर बीजेपी की ओर से कर्नल नंद किशोर ढाका के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें फसलों की क्रॉप कटिंग करवानी, सूखाग्रस्त फसलों के समय पर गिरदावरी करवानी, SDRF के तहत किसानों को उचित राहत प्रदान करवाने की मांग की गई है। इस दौरान बीजेपी नेता कर्नल नंदकिशोर ढाका ने कहा कि कृषि सूखे से प्रभावित है और समय पर गिरदावरी क्रॉप कटिंग का कार्य नहीं हो पाया है। वही है कि यहाँ पे सूखाग्रस्त घोषित किया जाए पूरे जिले को। हम कलेक्टर साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्रॉप कटिंग का किया जाए और गिरदावरी करा के, और जो यथा स्थिति है, जो सही स्थिति है, उस संपूर्ण क्षेत्र में बारिश नहीं होने की वजह से फसलों का भयंकर नुकसान हुआ है। और इसी के चलते यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फसल बुआई के तुरंत बाद में गिरदावरियाँ होनी हो जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य ये है कि आज तक गिरदावरियाँ नहीं हुई है। इसलिए इस ज्ञापन के तहत जिला कलेक्टर से हमने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी क्रॉप कटिंग का प्रोसेस शुरू करवाएं, और वो भी प्रॉपर जो तरीका है उसके मुताबिक, ये ना कि पटवारी